तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का सुबह का सीन ऐसे स्टार्ट हुआ है, हमें जाना पड़ रहा है स्कूल क्योंकि मम्मी की वैन छूट गई है। अभी कॉल आया मेरे पे, अभी बिल्कुल कॉल आया मेरे पे। देखो भाई बुलाने भी आ गया, भाई बुलाने आ गया। अब मम्मी को स्कूल छोड़ के आना है मुझे। मैं सो रहा था, अच्छा कहाँ था, एकदम कॉल करी, पता नहीं कैसे मैरिज छूट गई। अरे जल्दी चल दे। अरे हाँ चल रहे हैं। तो स्कूटी बहुत ही स्पीड में थी, आंखों में से भी पानी आ गया मेरे, इतनी देर चला रहा था। लेकिन अब फाइनली मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने वो खड़ा बाइक पे हो रहा। देखो मोड़ ली उसने, बाइक आ गया। तो चलते हैं अब घर दोबारा, वापसी आ गया वापसी, वहाँ से मोड़ के गाड़ी चले सर। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, और ये हो रही है शॉप खुलने की तैयारी यहाँ पे। और मैं जाते हुए भी शूट नहीं कर पाया और आते हुए भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी के हाथ में सामान था और मुझे स्कूटी चलानी थी, इस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, अभी तो और भी सीन्स होंगे, पूरा दिन बचा है अभी तो। तो चलते हैं फिर अपने घर की तरफ और आगे देखते हैं क्या क्या होता है आज। तो आने के बाद अब कुछ सीन ऐसा बना है कि खाना मतलब नाश्ता वाश्ता तो आज बनाया नहीं, तो बाज़ार से लाना पड़ेगा। मैं आके सो गया था लेकिन अम्मा ने फिर से दोबारा उठा दिया, पहले नाश्ता ले गया। तो अब सीन ऐसा है कि अब जाना पड़ेगा नाश्ता लेने, उसके बाद पहले खा ही लेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे और फिर आगे का दिन प्रोसीड करेंगे। कुछ भी गया, आज स्कूल जाके मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम हो गया था स्कूल गए हुए, लगभग पता नहीं लास्ट डेट भी ध्यान नहीं है कब गए थे। तो आज मतलब मैं बाहर से पूरा देख के आया उस मतलब स्कूल को, तो ठीक है। अब पता नहीं अब कब खुलेगा स्कूल, कोविड के चक्कर में खुल ही नहीं रहा, लॉकडाउन तो खुल गया, अब बस होपफुली जल्दी खुल जाए। एडिक्शन लॉस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है घर पे, क्या करें। लेकिन अब बोर हो गए मज़ा लेते लेते। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नाश्ते के बाद। तो अभी के लिए डिसाइड हुआ है समोसे लाने का, लेकिन एक मतलब बीच में अम्मा को दूसरी जगह का चाहिए और मुझे दूसरी जगह से लेना है समोसे, ये भी सीन है अलग ही। तो फिलहाल तो मैं आई है सामान लेके, और लेकिन जो जहाँ से अम्मा को चाहिए थे वहाँ पर तो मिले नहीं क्योंकि अभी बने नहीं थे, लेकिन मुझे तो मिल गया, तो मैं वहीं से ले आया जहाँ से मुझे चाहिए थे। तो सब टाइम हो गया, हो चुका है मम्मी को दोबारा लाने का फिर से बैक टू स्कूल। अब दूसरी बार टर्न लगेगा एक दिन में हमारे स्कूल का, स्कूल तक का मतलब सब ज़्यादा बड़े स्टैंड बैठ गया स्कूल का, कम से कम 3-4 किलोमीटर है लगभग। यहाँ पे कुछ काम धंधा तो है नहीं इन पर। अरे आए भाई साहब हमारे, ये देखो जहाँ भी जाना हो सबसे पहले मेरी याद आएगी, कहाँ जाना है चल रहे हैं चुप रहे। तो ये आ गई हैं स्कूल से, मेरे द्वारा लाई गई हैं बस, नहीं तो वहीं खड़ी रहती। तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी रास्ते में, मतलब जितनी तेज़ स्कूटी जा रही थी उतनी तेज़ हवा लग रही थी, वो भी गर्म बहुत तेज़। और मैं तो सोच रहा था मतलब थोड़ी राहत मिलेगी स्कूटी पर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे तो पसीने आ रहा था स्कूटी पर वो भी। अब लगा लो इतनी तेज़ गर्मी है, अब पता नहीं दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे फिर से दोबारा, तो अब मैं नहा धो के पूल तैयार हो चुका हूँ, मुझे दोबारा नहाना पड़ा, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा दोबारा ही नहा लूँ। तो आज वैसे ही पूरा दिन बहुत ज़्यादा बोर जा रहा है, कई भाई तो है नहीं जो आफत काटता रहता है पूरे दिन, पूरा दिन अकेले ही बिताना पड़ रहा है, शाम तक आएगा बाहर गया हुआ है। ये देखो नीचे गिर गया, गिरा पड़ा है, कैसे हुआ ये, हाउ दुकान पे दीदी हेलो कर दो, हेलो बाय बाय। तब तो पता नहीं पूरा दिन कैसे जाने वाला है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने, इतनी गर्मी में वो भी अर्जेंट था तो जाना पड़ गया, नहीं तो मैंने तो मना कर दी थी
लेकिन जबरदस्ती कर करके भेज ही दिया। तो कोई भी नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, कोई है नहीं, लेकिन हो रहे थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें आने में इतने। हाँ यहाँ के प्रोडक्ट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ खरीद लेना लक्ष्मी बुक स्टोर। ये आ गए हैं भैया सामान देंगे, चलो कर दो भैया का मन कर गया वीडियो में आने का मैं तो जा रहा था इन्होंने कहा कि दिखा दो तो सही से क्या दिक्कत, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अभी इनके पास फ़ोन नहीं है तो घर पे जाके ज़रूर कर देंगे, पक्का ना? ठीक है ओके, तो मिलते हैं फिर। बनने जा रही है, क्या बनने जा रही है? अरे शर्मा आ गई है तो। ओ भाई मेरे को खींच के कहाँ लेके जा रही है? कहाँ जा रही है? कहाँ जाना है? पानी लेने। क्या करोगे पानी का? पानी का क्या करना है? अंदर कौन सा पानी है? बाहर मिलता है पानी तो अंदर नहीं मिलने का, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, बस पानी लेने जाना है। तो फाइनली हम ट्यूशन से आ गए हैं और साथ में भैया आए हैं। तो ट्यूशन ऐसी रहा हमारा, मतलब आज ऑफलाइन था, रोज़ ऑनलाइन हो रहा था बट आज ऑफलाइन था। तो सीन ऐसा रहा, आराम से ट्यूशन गए और वहाँ पे दोस्तों से मिले बहुत दिनों बाद, क्योंकि सब लॉकडाउन में सब घर पे पड़े थे, कोई किसी से नहीं मिल रहा था। ए भी आया था, कल की बात अलग है, लेकिन रोज़ कोई नहीं मिल रहा था, बट अब तो ट्यूशन शुरू हो गए तो सब रोज़ मिल रहे हैं सबसे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो शाम ही हुई है, शाम के लगभग कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं और देखते हैं आगे। अभी क्या सीन हुआ, भाई गया हुआ है बाहर, तो ये कहते हैं कि सौरभ जोशी मिला उसे, मतलब वो गाजियाबाद साइड गया है तो शायद सौरभ जोशी आ रहा हो वहाँ पे, तो मिला होगा। मैंने सोचा हाँ जरूर मिला होगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर क्या होता है, फिर फ़ोन करके बताते हैं वो कि कैसा लगा मेरा मजाक। और अभी अभी मम्मी बता रही थी मुझे ये बात, तो मिला था सौरभ जोशी, ऐसे चली गई है। तो मुझसे कहते हैं सौरभ जोशी मिला था, लेकिन पहले मैंने बिलीव कर लिया, फिर कहती हैं कैसा लगा मेरा मजाक। यहाँ पे एक बार भैया आ गए हैं, हेलो कर दो। हेलो सबको, तो कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। कैरी मिनाटी की लाइन चोरी कर ली आपने कैरी मिनाटी ध्यान आ रहा है ना यहाँ पे भी, कैरी मिनाटी की एक बार लाइन तो बता दो, क्या कहता है कैरी मिनाटी? ये ब्रो दिस इज अ म्यूजिशियन। अरे भैया कोई म्यूजिशियन गाना वाना गा के दिखाएंगे आपको, गाओ जरा गाना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं गाओ, एक तो गाना गाना पड़ेगा। अब ये तो शर्मा रहे हैं, देखो ऐसी बात थोड़ी है, एक एक छोड़ो ये नहीं गान देंगे, छोड़ो। सौरभ जोशी से मिल के आया है अभी अभी। हाँ कहाँ? हाँ तो तुम मिल आए, तुम मिल आए सौरभ जोशी से? अभी आया, अभी आया, कपड़े वपड़े चेंज करे हैं उसने। हाँ सब थे है ना, और कौन कौन है? नहीं सब थे ना, बहुत बढ़िया। अरे सबसे मिल आया, किसी को इससे मिलना हो तो कॉन्टेक्ट करना। तो अब मैं भाई को छोड़ के आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया आज मैं। फिलहाल अब मैं खाना खाऊंगा और फिर करूँगा एडिटिंग। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस वाले ब्लॉग में, अगर मज़ा आया हो तो नो लाइक नो सब्सक्राइब नो शेयर नो कमेंट, नहीं कमेंट कर देना, मतलब बाकी तो ओनली इन्जॉय। तो बाय बाय।